अस्सलामुअलैकुम। तो आज है ईद का दिन। सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये देखो, हम लोगों ने चूहा पकड़ने के लिए इसका केज बनाया था, लेकिन जब चूहा इसमें आया तो वो उसका चूहा इसको साथ साथ लेके भाग गया। और आज पूरे दिन हम क्या क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली ईद तो मैंने अपने फैमिली के साथ गुजारी और ददियाल वालों से सबसे ईदी जमा की। अब दूसरी ईद वाले दिन आ गई मामू के घर, क्योंकि मामू ने हमारी दावत की थी। और यहाँ इस लड़की को देखो भाई, टिकटॉक बना रही है। हाय। और इनके घर पे हम दावत उड़ाने के लिए आए हुए हैं। दिखाओ तुम्हें जो मैंने मेहंदी लगाई है, ये देखो आती नहीं है बस वैसी। और ये है इनका टिकटॉक का सस्ता जुगाड़। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बैंगल्स भी पहन लिए, इयररिंग्स भी पहन लिए। और आप लोग मुझे बताओ मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखो, यहाँ इनका फोटो शूट चल रहा है। प्लीज ब्रदर, ब्लॉग का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सही है। और इसके चैनल को डिसलाइक करें। इन खुशों को पहनने के बाद जो मेरे पैरों की हालत हुई है ना, उफ, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। खुले पैसे आपको कोई बात नहीं। जाओ राना, सब ऐसे ही सही थी। तो और ये सब यहाँ पे ईदी के लिए लड़ रहे हैं। हामिद, क्या अहमद की नाराजगी से तुम लोग को कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नाराजगी से? ओहो, लेकिन ये देखे बच्चे आजकल के ईद एंजॉय नहीं करते, बस बाहर बैठे रहते हैं। हमारे टाइम पे हम झूले झूलते थे, सारी चीजें कर रहे होते थे। तो यहाँ अभी सबको ईदी दी जा रही है, जो कि सभी बच्चों का हक होता है। यार, मैं तो पहली ईद वाले दिन अपनी फैमिली से, ददियाल वालों से जो है ईदी जमा करके अब नान के आ गई हूँ। और यहाँ भी बहुत सारी ईदियाँ जमा कर रही हूँ। अमित की डियाड़ी लगी हुई है, पैसों पे पैसे गिने जा रहा है भाई। 700, 800, 1800 और 500। मुझे भी बहुत सारी ईदियाँ मिली है, लेकिन वो सब पहले नहीं, मैं किसी को ईदी नहीं देती। सॉरी, किसी के पास से जो है ना, तुम लोग बोलना मेरी बहन भी है, उसको भी दो। गाइस, झूले वगैरह तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बस फोटोशूट ही चल रहा है। हम लोग छत पे हैं अभी, और जो भी कुछ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। मैंने ये बोला था आप लोगों से, लेकिन सीरियसली यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा एंजॉय करने के लिए। सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, ईदी जमा कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन मकसद होता है। और लंच में मेरी मामी ने हमारे लिए रेडी किया था बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई, और साथ ही सेवई शीर खुरमा भी बनाया था, लेकिन यार वो हम लोगों ने रात में खाए थे। और उसी के साथ हम आ गए थे अपनी दूसरी मामी से मिलने, और उन्होंने हम सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। यार, ये वाली जो ईद होती है ना, इस पे बस हम सबको जो है ना ईदी जमा करने की पड़ी रहती है, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। और इसी और ये है हमारी घर की सबसे छोटी बच्ची, जिसका नाम है आयजा। मतलब यार, इसके तो हाथों में और पैरों में भी मेरी मामी ने मेहंदी लगवाई हुई थी। मतलब यार, इतने छुटकू छुटकू से हाथ पांव पे ना, इतनी क्यूट सी मेहंदी थी माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे इतना शोर हो रहा था कि मैंने अपनी अलग से वॉइस ओवर की है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप अपनी नानी के घर गए थे या नहीं। Thank you.
तो रात भर तो मेरे कजन ने डांस किया, उसके बाद हम लोगों ने देखी हॉरर मूवी। ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ और इमरान खान, अभी मैं इधर इसको चला गया। ओहो, ओहो डांसर आ गया डांसर। तो आज है ईद का तीसरा दिन और मैं जा रही हूँ रेडी शेडी होकर खाला के घर, क्योंकि उन्होंने भी हमारी ईद की दावत की है। अब जल्दी से रेडी होते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। और हाँ, कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताओ आप लोग को मेरा कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लगा, मतलब जो मैंने पहले ईद को किया था वो या तीसरी ईद वाले दिन किया वो। जिसका मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता, ये छोटे वाले तोड़ो, ये नहीं तोड़ो, ये वाले तोड़ो, पके वाले, बड़े वाले तोड़ो, बड़े वाले, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, रुक तो जाओ। ये देखिए यहाँ पे भी है, खा के दिखाती हूँ, पीछे तो गिर गया, एक गिर गया, बड़ा वाला गिर गया, ये सारे पीछे बच्चे तोड़ रहे हैं। इजाजत ली हुई हमने, इजाजत ली हुई। पता नहीं क्या कुछ खट्टे खट्टे से तोड़ दिया और खाया भी हम लोगों ने। और ये देखो बिल्कुल जंगल की तरफ रहती है मेरी खाला। इसको लाइक नहीं करना, इसको डिसलाइक करना, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, लाइक इसको शेयर नहीं करिएगा। और हम लोग घूम रहे हैं मैदान की तरफ, यहाँ से कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मेरी खाला रहती है और हर जगह पे जो है ताला रखा बनाया, फिर नहीं देखे मतलब बने हुए नहीं है ये, सिर्फ दरवाजे वगैरह बने हुए। ये सादिया आप खा के दिखाइए, तो भाई जैसे ही मैं अपनी खाला से मिलने आई, मेरी खाला तो सारी चीजें कर चुकी थी, बस बिरयानी में दम लगाना रह गया था। और मेरी खाला देखो कितने मजे से मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही है। अभी हम लोग अपनी खाला के घर दावत पे आए हुए और ये लोग यहाँ पे सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे लेटे हुए, रात को भी मूवी देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। आप डायलॉग से बताइए कौन सी मूवी होगी। रियान कैसे लेटे गुगुरी कर रही हवा, मेरी खाला जो है खाना बना चुकी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी खाला ने हमारे लिए क्या क्या रेडी किया है। सबसे पहले आप लोग देखिए हमारी कराची की आन बान और शान जो के है बिरयानी, और इसी के साथ मेरी खाला ने बहुत ही मजे का कोरमा रेडी किया था। यार सच्ची मतलब कोरमा तो मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड करूँ ना, मेरा फिर खाने का दिल कर रहा है। साथ ही मेरी खाला ने रेडी किया था ये कीमा, और यार ये शीर खुरमा तो बहुत ही टेस्टी था, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं मतलब कितना टेस्टी है, साथ रायता सलाद और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो सारी चीजें थी। देख सकते हैं मिट्टी के चूल्हे पे जो है मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये इसलिए पतीली ऐसी है क्योंकि जो है ये गर्म उस पे ही रहता है ना, और ये धीमे धीमे आंच पे हल्की आंच पे जो है ना दूध को पहले बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम इस पे पत्ती और चीनी वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो डाल देंगे। यहाँ देखें, यहाँ हम सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ वो झूला है, आप बैठो झूले पे, मैं झूलम नहीं मुझे बुआ था, यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम लोग यहाँ पे अपने ईद की फोटो शूट कर रहे हैं। और ये देखे ये सब यहाँ पे झूल रहे, झूल मैं जब झूलूंगा मेरी बहन, साईं अभी आप हटो मेरे को झूलने दो, आप बाद में सब किसी के बाहर गया जो एक बार गया।